सुनो मैं मारी बात समझ न आई नींद के नाम जप काल से बच जाओ श्वास में श्वास श्वास में नाम दयाए सीधे सच संत बड़ा समझाए फिर भी समझ न पाए अजी क्या हो गए हैं अजय धन धन सतगुरु स्टेडियम में जो इस सत्संग का आयोजन हो रहा है यहाँ पर पधारें और सत्संग का लाभ उठाएं और जो भाई भी खड़े नहीं होना आपस में बातचीत बिल्कुल भी नहीं करनी जिनके पास भी मुख जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी धन सतगुरु तेरा ही आसरा मंडप में चल के आए हैं सर्वधर्म सभा में आप लोग पधारे हैं यह सर्वधर्म सभा है क्यों महाभारत जो पांचवा वेद भी कहलाता है सिख धर्म की पवित्र गुरुवाणी के स्टूडेंट रहे साइंस को विज्ञान को मानते थे लेकिन धर्म हमारा महाविज्ञान है दादू जी हर जो भी रूहानी सूफी संतों की वाणी आई बौद्धि जैनी मेनली दो बातें हैं धर्म के मालिक तेरा भला करे सत्संग पर आप सोचते हैं रास्ते तो सारे सही हैं जी नहीं मालिक पैसा लेता है ऐसा किसी धर्म में लिखा है क्या क्योंकि हमने सारे धर्मों के पवित्र ग्रंथ पढ़े हैं हम आपको सुनाएंगे पर आप सच सच बताइए क्या आपने कहीं पढ़ा है कि मालिक पैसा लेता है सोना चांदी लेता है नहीं पढ़ा होगा हमारे वेदों में क्या लिखा है वेदों में लिखा है भगवान से मांगो अच्छी धरती उपजाऊ धरती अच्छी आबोहवा अच्छा पानी अच्छी सेहत अच्छी संतान भगवान से मांगना ही है तो भगवान को मांगो ये नहीं लिखा भगवान को कुछ दो उसे मांगो ये लिखा है इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह रहमो करम का दाता है सच्चे दिल से और कायदे से कोई मांगेगा तो इतना मूसलाधार देता है कि दामन झोलियां छोटी रह जाती हैं और उसका रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाता है कमी नहीं आती ऐसे ही सिख धर्म में हमारे लिखा है जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे कि जो आप उससे मांगेंगे वो दया का सागर रहमत का दाता वाहिगुरु देता चला जाएगा पर उसकी कोई कमी नहीं आएगी और इंग्लिश फकीर लिखते हैं गॉड देता है लेता नहीं पर कायदे से गॉड प्रेयर से मांगो तो वो देता है तो सभी धर्मों में यही बात आई कि वो देता है लेता नहीं तो उस मालिक को जो हम देते हैं उसका क्या होता है हम जो भी मालिक से मांगते हैं वो मालिक देता है पर जो आप मालिक से मालिक को देते हैं वो मालिक नहीं लेता होता क्या है
हमारे जैसे लोग चढ़ाते हैं और हमारे जैसे लोग उठा के खा जाते हैं। नाम उसका चलता है और पेट पूजा इंसान की होती है। सोचने वाली बात, इंसान का शरीर कोई पढ़ नहीं पाया, कोई इसे पढ़ नहीं सका। अब तक 15-20% बॉडी को पढ़ा जा सका है। तो जिस मालिक ने इंसान का शरीर बनाया, क्या वो इस शरीर के बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? अगर उसको पैसा चाहिए तो वो आदमी को बना सकता है, तो आदमी के बनाए पैसे रुपए को क्यों नहीं बना सकता? और सोचिए, हमारे हिंदू धर्म में लिखा है भगवान कण कण में रहता है, इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है, सिख धर्म में लिखा है वाहिगुरु के बिना कोई जगह ही नहीं है, हर जगह वाहिगुरु है, और ईसाई धर्म में लिखा है गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो। तो सोचने वाली बात, अगर मालिक ने पैसा ही लेना है तो हमारे मेले कुचले नोट क्यों लेगा? नोट बनाने वाली मशीन यहां लगी है, वहीं से करारे करारे नोट ना ले लेगा वो, अगर उसने लेने ही है तो, क्योंकि वो तो हर जगह है, या वो नोट बनाने वाली मशीन है वहां भी वो है। और सोचो, अगर मालिक पैसे से खुश होता तो आम गरीबों के पास क्यों आता? दुनिया का जो सबसे नंबर वन धनाढ़ है वो मालिक को अपने घर में बिठा लेता कि ले मालिक सारी दौलत तेरी, और मालिक पे टिकट लगा देता कि जिसने देखना है 10,000 रुपए टिकट, बात करनी है 20,000 रुपए टिकट। शुक्र है ऐसा नहीं है, वरना भगवान भी ब्लैक में बिकता इस दुनिया में, क्योंकि वो टिकट ब्लैक में बिकती। तो हम आपको गारंटी दे सकते हैं, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा, वो मंगता नहीं हो सकता, 100% गारंटी है। बल्कि संतों ने तो ये लिखा है, मांगन मरन समान है और मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला ये सतगुरु की सीख, मांगो नहीं कर्म योगी बनो। हमारे हिंदू धर्म में अवतार हुए श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, वो अवतार हुए, अवतार ही नहीं राजा महाराजा भी थे, पर बचपन से उन्होंने करके खाया। जब गुरुकुल में रहे, आश्रम की खेतीबाड़ी का काम किया, बन बन से लकड़ी बींद के लाए, गुरु और गुरु मां के लिए खाना बनाया चला देती है। कईयों के बड़े बड़े हमने देखा महल हैं, संगमरमर लगा, बहुत पैसा है, आगे औलाद ही नहीं है, वंश ही खत्म हो गया, किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी के घर में सुख शांति नहीं है, हीरे जवाहरात बहुत पड़े हैं घर में, चार लोग हैं, चारों के मुंह अलग अलग हैं, एक इधर से निकल जाता है, दूसरे को देख के दूसरा इधर से आ जाता है, तो क्या फायदा उस दौलत का? अगर घर में शांति नहीं, शरीर निरोग नहीं, इससे तो वो अच्छे नहीं है जो सारा दिन मेहनत की करते हैं और चाहे धरती बिछोना मिल जाए वहीं ऐसी मस्ती की नींद सोते हैं कहते घोड़े बेच के सो गया, पता ही नहीं चलता सुबह तक। और दूसरी तरफ पाप जुल्म की कमाई से ऐसे ऐसे विस्तर होते हैं जैसे लक्ष्मण झूला, पर नींद नहीं आती, एक टीका लगवाते हैं फिर नहीं आती, एक दूसरा टीका, उनकी नींद भी किराए की नींद होती है। बताइए कौन सुखी है ज्यादा, मेहनत की करके खाने वाला या पाप जुल्म की कमाई से महल बनाने वाला? तो भाई, हम तो हकीकत आपको सच्चाई बयान करेंगे जो सच है, बुरा ना मानना, आपको कोई लगे हमसे पूछ लीजिए, सवाल कीजिए। तो हमारे धर्मों में जो सच लिखा है,
आज आपकी सेवा में बताएंगे। हमें मालिक से ओम हरि अल्लाह राम वाहिगुरु दाता रहबर से मांगना चाहिए। वो पत्थरों में भी जिंदगी दे देता है, सच्चे दिल से मांगोगे वो कमी नहीं छोड़ता। हमें क्यों मांगना चाहिए? वो हमारा जन्मदाता ही नहीं, आत्मा को भी बनाने वाला है। वो सुप्रीम पावर है जिसकी वजह से ये धरती काम करती है, पानी काम करता है, सूर्य नक्षत्र ग्रह चलते हैं, हवाएं चलती हैं। आप सोचते नहीं, ये एक बड़ी फैक्ट्री में एक बॉस का होना जरूरी है। अगर बॉस ना हो, कर्मचारी काम करना बंद कर दें तो वो फैक्ट्री फेल हो जाती है। सोचने वाली बात, आदमी के चलाने वाली फैक्ट्री के लिए, और अगर वो ना हो तो ये फैक्ट्री, तो ये सारी से कर्मचारी, धरती है, पानी है, चंद्रमा, ये सारे कर्मचारी हैं जो सृष्टि को चला रहे हैं। अगर इनमें से एक रूट जाए तो क्या होगा? धरती रूट जाए कि मैं तो कुछ भी पैदा नहीं करूंगी, कैसे जी पाओगे इस दर? पानी रूट जाए कि, और वो है ओम हरि अल्लाह राम गॉड खुदा रब, और साइंटिस्ट कहते हैं वो है सुप्रीम पावर। सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, मान वो भी गए हैं, अब मान गए हैं। साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास, नासा साइंस केंद्र से आते हैं, आसपास से आते हैं, दूर दराज से आते हैं, हमारे से चर्चा होती है, आखिर वो मान के जाते हैं हमारे धर्म महाविज्ञान है। साइंस तो बदलती रहती है। यहां जितने लोग बैठे हैं, हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा, पहले क्या पढ़ाया गया था? आदि मानव मांसाहारी होते हैं, हमने ये पढ़ा था किताबों में। लेकिन आज साइंस की नई आई है, आदि मानव शाकाहारी होते थे। और हमारे वेदों में क्या लिखा है? आदमी शाकाहारी ही था और है। और आज साइंटिस्ट भी कह रहे हैं पूरी शारीरिक बनावट शाकाहारी जीवों जैसी है, इसकी आंतड़ी लंबी है, मांसाहारियों की छोटी होती है, इसके नाखून, इसका जबड़ा, इसका शरीर, इसकी मान गई है कि आदमी वी आर प्योर वेजिटेरियन। ये साइंस मान चुकी है, हजारों साल पहले वेदों में लिखा था। तो बताइए बड़ी साइंस कौन सी है? हजारों साल पहले हमारे वेदों में लिखा था बैक्टीरिया वायरस होते हैं, वैज्ञानिकों ने मजाक उड़ाया, पर 1850 में माना कि बैक्टीरिया है और 1892 में माना वायरस है, जबकि वेदों में हजारों साल पहले लिखा था। बताइए बड़ा कौन? हमारे वेदों में, सभी धर्मों में ये लिखा था, लाखों चंद्रमा सूर्य नक्षत्र ग्रह हैं, और साइंस ने अभी 15 साल हुए हैं तब माना है कि हां लाखों चंद्रमा सूर्य नक्षत्र हैं। बताइए बड़ी साइंस कौन सी है? और ये वेदों में, पुराने हमारे जितने भी पवित्र धर्म हैं, सभी में लिखा है सिर्फ यही एक त्रिलोकी नहीं है, सिर्फ यहां जिंदगी नहीं है, ऐसी जिंदगी सैकड़ों जगह और भी है, ऐसी त्रिलोकियां सैकड़ों जगह और भी है। साइंस अभी तो नहीं मानी, पर एक दिन मान जाएगी। अभी तो वो ढूंढ रहे हैं कहीं और जिंदगी मिल जाए, जबकि धर्मों में लिखा ऐसा है, एक जगह नहीं सैकड़ों जगह। त्रिलोकी किसे कहते हैं पहले तो आपको ये बताएं। धरती, आसमान, पताल को त्रिलोकी नहीं कहते, त्रिलोक, तीन तरह के लोक, तीन तरह के जीव। कौन कौन से? अस्थूल काय जो दिखते हैं शरीर, सूक्ष्म काय जो दिखते नहीं पर शरीर हैं, बैक्टीरिया वायरस कोई भी मान लीजिए आप, और कारण काय जो देव फरिश्तों के शरीर होते हैं। तो यहां तीन तरह के शरीर होते हैं, उसको कहते हैं त्रिलोकी। तो ऐसी त्रिलोकियां सैकड़ों हैं, ये हमारे धर्मों में। तो भाई हमारे धर्म महा, और उन धर्मों को मानने से आपको आत्मबल आएगा, पावर आएगा, और आत्मबल सफलता की, आत्मबल जिनके अंदर होता है, मंजिलें
अस्तंबल जिनके अंदर होता है, पहाड़ जैसा रोग भी चुटकियों में चला, ये अजमाया है, हम अजमाते रहते हैं। भयानक रोग, श्वास, श्वास तो भगवान ने देने हैं। तिल बड़े नराई घटे जो लिख दी करतार, लेखे तेरे श्वास गिरास। भगवान ने श्वास गिन के दिए, लेकिन आत्मबल से टाइम पीरियड बढ़ाया जा सकता है, श्वासों की गिनती नहीं। हम एक मिनट में लेते हैं 16 से 18 श्वास। मान लीजिए 16 से 18 श्वास आप एक मिनट में लेते हैं, उसके हिसाब से आपने 100 साल जीना है। प्राणायाम की एक क्रिया होती है, श्वास को अंदर ले जाना फिर किया करते थे, खास करके हिंदू धर्म के उदाहरण है मारकंडे, कागभूषण जो ऋषि थे उनकी हजारों साल उम्र थी। कैसे? अब एक मिनट में लेते हैं 16 तो 100 साल, और श्वास को ऊपर चढ़ा लेते थे और फिर बातें करना चलता रहता था, और एक मिनट में सिर्फ एक श्वास लेते थे। अब एक मिनट में 16 के हिसाब से 100 साल, एक मिनट में एक लिया तो कितना, 1600 साल। तो इस तरह टाइम पीरियड बढ़ जाता था। तो हमारे धर्मों में बड़ा कुछ छुपा हुआ है। आप कपड़े पहन लेते हैं, जैसे मां बाप का धर्म आप अपना धर्म बन गया, पर उसमें लिखा क्या है, कभी उस पर भी रिसर्च किया करो। मां बाप ने खेती दे दी, जमीन जायदाद दे दी, आपको दुकान दे दी, अब सुबह शाम माथा टेकते रहो क्या? जी नहीं, आप हंसेंगे। मां बाप ने जो जमीन जायदाद दी है उसको बीज डालते हैं तो फसल आती है, दुकान खोल आमदन होती है। उसी तरह हमें धर्म तो विरासत में, पर धर्म का अगर फायदा उठाना है धर्म के ऊपर चलो, फिर देखो आप अंदर बाहर से माला में लेके मौज से बैठे हैं, ना उसको पढ़ना ना उसके ऊपर चलना। किसी धर्म में नहीं लिखा दूसरे की निंदा करो। हम सत्संग छोड़ देंगे अगर कहीं लिखा दिखा दो, अपनी निंदा करो अगर कर सकते हो, हिम्मत है तो। कबीर जी ने लिखा है, कबीरा सबते हम बुरे, हम तज भला सब कोए, जिन ऐसा कर मानिया मीत हमारा सोए। अपने आप को बुरा आपसे कुछ लेने के लिए तो चाहे चंद क्षण कोई मान ले, पर अपने आप को छोटा मान के चलना बहुत बड़ी बात है। दूसरों की बुराइयां करना आम बात है। एक बार हम कॉलेज में गए, स्कूल में गए, लड़कियों का स्कूल कॉलेज था, तो बच्चे हमें पिताजी बोलते हैं, रूहानी फकीर जो भगवान की औलाद है उसे अपनी औलाद समझते हैं। जन्मदाता आपके मां बाप हैं, पर रूहानी संत जो होते हैं वो भगवान की औलाद को अपनी औलाद की तरह मानते हैं, इसलिए लोगों ने कोई पिता कोई बाबा कोई कुछ, तो वो हमें पिताजी कहते थे। कहने लगे, पिताजी हमें कोई ऐसी बात बताओ या हमारी कोई बुराई छुड़ाओ, हम जिंदगी भर बुराई नहीं करेंगे, आपके सामने कसम खाएंगे। तो हमने कहा पक्का? सभी स्कूल कॉलेज के बच्चे काफी हजारों में थे, कहेंगे हाँ पिताजी पक्का। हमने कहा बेटा ठीक है, निंदा चुगली छोड़ दो। बच्चों ने हाथ खड़े किए, कसम खाई, एक छोटा सा बच्चा रोने लगा। हमने कहा बेटा रो क्यों रहा है, ध्यान से सुनिए। कहने लगा गुरुजी अगर निंदा चुगली छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? सोचो सोचो, सारा दिन जो आप बातें करते हो उसमें से निंदा चुगली निकाल दो, क्या रह जाता है बाद में, कौन कौन सी बातें? ज्यादातर चलती निंदा चुगली है, कोई पास से गुजर गया उसका अगला पिछला हिसाब किताब सारा लगा देंगे, ये ऐसा होता था वैसा होता था। आज लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरा सुखी क्यों है, इससे ज्यादा दुखी है। अपने दुखों से दुखी कोई कोई है, पड़ोसी का महल क्यों बन गया, मेरा चौवारा ही रह गया, मेरे पास मोटरसाइकिल है पड़ोसी ने कार कैसे ले ली, ये चक्कर पड़ा हुआ है। तो भाई आपको आत्मिक शांति और आत्मिक संतुष्टि नहीं है, ये दो बातें
आत्मिक शांति, आत्मिक संतुष्टि अगर आपको हो जाएगी तो दुनिया में सबसे सुखी आप होंगे। जिसको आत्मिक शांति है, आत्मिक संतुष्टि, आत्मिक संतुष्टि का मतलब है जो आपके पास है उससे आप खुश रहो, परिवार का पालन पोषण करो, परमार्थ दूसरों का भी भला करो, और जो आपके पास नहीं है उसके लिए मेहनत करो, टेंशन चिंता ना करो, इसी का नाम आत्मिक संतुष्टि है। आदमी के पास बहुत कुछ होता है पर और पाने की टेंशन जो पास में है उसका सुख नहीं लेने देता। इसलिए हमारे सभी धर्मों में लिखा है आत्मिक संतुष्टि अति जरूरी है, और आत्मिक संतुष्टि आत्मबल बढ़ाने से आती है, और आत्मबल बढ़ता है आत्मिक चिंतन से, और आत्मिक चिंतन होता है भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम के नाम से, गुरु मंत्रा से, मेथड ऑफ मेडिटेशन से, वो युक्ति से, वो मेथड से जो हम आपको बताएंगे, बिना किसी पैसे के, बिना धर्म छुड़ाए, बिना नोटबोर्ड का चक्कर चलाए, बिना किसी पैसे के, जिस मर्जी धर्म में रहो, जो मर्जी भाषा बोलो, जो मर्जी पहनावा पहनो, आपसे कोई पैसा नहीं लेना, कोई चढ़ावा नहीं लेना, बस आपको तरीका बताना है। आप अपने घर में, बच्चों में, परिवार में रह के उस तरीके को करेंगे तो यकीनन आपके अंदर आत्मबल आएगा, और उस आत्मबल के सहारे आप सुख शांति को हासिल जरूर कर पाएंगे। तो इस बारे में जो भी संत महापुरुषों की वाणी आएगी आपको ये सेवादार पवन खान जी पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इस कलयुग में तीन बातों से जीव का उद्धार होगा, एक सतगुरु पूरे की शरण, दूसरे साध साम का सुमरण और श्रवण, और सब वक्त में सिवाय इन तीन बातों के और कामों में जीव का आकाज होता है। तो आपने अभी सुना महापुरुषों की वाणी, बात सत्संग। वैसे संग का रंग लाजमी चढ़ता है, आप झूठ बोलने के वाले के पास बैठो, कुछ दिन बैठते रहोगे तो आप झूठ बोलने जरूर लग जाओगे। जैसा करो संग, अगर पास अग्नि जलाकर, अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर, अगर पास फूलों के बैठोगे जाकर तो उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर। अगर आप आग के पास बैठ जाते हैं और आपका ध्यान इधर उधर हो जाता है, अचानक कपड़ा उठता है और आग पे लग जाता है, आग ने क्या करना है, कपड़े को जला के राख कर देना है। किसी और दिन आप फूलों के ढेर के पास बैठे हैं, कपड़ा उड़ता है, फूलों के ऊपर लग जाता है, फूलों ने क्या करना है, आपके कपड़ों में खुशबू भर देनी है। तो भाई अगर बुराई का संग करते रहोगे तो बुराइयां आपके सुख शांति को जला के राख कर देंगी, और अगर आप अच्छाई भलाई का संग करोगे तो आपका जीवन खुशबू से महक जाएगा, समाज में लोग आपकी इज्जत सत्कार करना शुरू कर देंगे। और अगर सत्संग करोगे तो जीते जी मोक्ष, मरणोपरांत मोक्ष मिलेगा। जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से, और मरणोपरांत आवागमन से, यही सच्चा मोक्ष है, यही सच्ची मुक्ति जो मालिक के नाम से मिलती है। तो आज चर्चा करेंगे बस इसी बारे में। हम सभी धर्मों को मानते हैं, किसी जात पात ऊंच नीच को नहीं मानते, क्योंकि हमारे धर्मों में इसके लिए कोई जगह नहीं है। जो कहता है मैं बहुत बड़ा हूं, ऊंचे धर्म का हूं, कोई कहता है ऊंची जात का हूं, कोई कहता है छोटी जात का है। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, बताइए, जो कहता है मैं बड़े वाला हूं,
क्या जन्म के समय उसके ताज लगा हुआ था और छोटे के पूंछ लगी थी? या बताइए, क्या बड़े वाले की नाड़ियों में घी दूध बहता है, छोटे वाले के पानी बहता है? या बताइए, क्या बड़े वाला आसमान से टपका है और छोटे वाला मां के गर्भ से नहीं आया? सारे के सारे मां के गर्भ से आए हैं। हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। ये धर्मों में लिखा हुआ है, सारे धर्मों में। कोई सच्ची बात बताता नहीं। आज आपको सच बताने आए और शरेआम बताने आए। सारे धर्मों में लिखा है हम सब एक हैं। कोई ऊंच नीच किसी धर्म में नहीं है। वेदों की बात भी करेंगे, जिनमें वर्ण बने हैं, चार वर्ण, वो कर्म के अनुसार हैं, जन्म के अनुसार नहीं है। ये आपको बता दें। तो आज ऐसी चर्चा होगी, साथ साथ भजन शब्द नजम चलेगा और साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। हाँ जी, चलिए भाई बोलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सब कर्मों से ऊंचा सत्संग, संत सभी बतलाते हैं। भाग्य बड़े जिन जीवों के, वो ही सत्संग में आते हैं। कबीर संगत करिए साध की, साहिब आवे याद। लेखे में साई घड़ी, बाकी बाद विवाद। आके सत्संग में विचार कर ले, आके सत्संग में विचार नम का उतार कर ले। प्रभु है तेरा, अल्लाह है तेरा, राम तेरा भला करे, मालिक तेरा भला करे। आके सत्संग में विचार कर ले, आके सत्संग में विचार कर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले। प्रभु है तेरा, अल्लाह है तेरा, गॉड तेरा भला करे, राम तेरा भला करे। सत्संग है अजीब, बंदे के बनते हैं इसमें नसीब। कारखाना सत्संग है अजीब, बंदे के बनते हैं इसमें नसीब। पाप मैल जन्मों की साफ कर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले। प्रभु है तेरा, अल्लाह है तेरा, राम तेरा भला करे, गॉड तेरा भला करे। कॉलेज
सारा सत्संग जी नाम और प्रेम का चढ़े रंग जी। कॉलेज रूहानी बड़ा सत्संग जी नाम और प्रेम का चढ़े रंग जी। पैर मित्र से प्यार कर ले, गहरी मित्र से प्यार कर ले मानस। कोई तय नहीं होता, कहीं आप सोचिए यहाँ के निवासी हैं कैसे, वो कठपुतली नहीं हिलती जब तक कठपुतली वाला हिलाए ना। आदमी नाचना तो दूर, राम नाम में मस्त नहीं होता जब तक वो मस्त बनाए ना। ये उसकी मस्ती है, ये उसकी रहमो करम है, कृपा दृष्टि के कोई सींग नहीं लगे होते। अगर आप देखोगे तो कदम कदम पे आपको भगवान की दया में रहमत बरसती नजर आएगी। आपने जो कपड़े पहने हैं सभी ने, इसको बनाने में लाखों लोगों का हाथ लगा है। नरमे का बीज बना, कपास का बीज बना, धरती जोती, उसमें पानी लगा, बीज डाला गया, उसकी निराई गुड़ाई हुई, बीज से कपास बनी, वो चुनी गई, उसमें से बीज निकाला गया, रुई अलग की गई, धागा बना, और धागे से आगे बुनने वालों ने, डिजाइनर ने डिजाइन किया, फिर बुना गया, कपड़ा बना, फिर टेलर मास्टर ने आपके नाप का काटा, फिर सिलाई की, और फिर आपने पहना तो आपके शरीर पे आया। सोचिए कितने लोगों का हाथ लगा, और इसमें कितनी जगह सिलाई है। देखिए यहां भी सिलाई है, यहां भी सिलाई है। आप चमत्कार देखना चाहते हैं, आपके शरीर पे भगवान ने चमड़ा चढ़ाया है, एक टंका दिखा दीजिए कहां लगाया है, बताइए कहां लगाया है। कितना गजब का शरीर बनाया, और कितना गजब की फिटिंग है उस भगवान की। ये अलग बात है, ये स्ट्रेचेबल है भगवान की फिटिंग। आप ज्यादा खाते हैं तो थोड़ा यूं हो जाता है, कम खाते हैं तो थोड़ा यूं हो जाता है, स्ट्रेचेबल है, कमाल का। टंका नहीं लगाना पड़ता कि यूं हो गया तो टंके से दोबारा बनाना पड़ेगा। हो सकता आपका कपड़ा यूं नहीं आएगा अगर यूं है तो। तो ये ईश्वर का कमाल है, उसकी दया में रहमत। तो कदम कदम पे चमत्कार मिलेंगे। आप पौधों को देखिए, हर पौधे में अलग रंग है, अलग खुशबू है, अलग डिजाइन है। आप हाथों पे मेहंदी लगाते लगाते थक जाते, 5-10 डिजाइन आते हैं, 20-30-100, और उसने सारी सृष्टि में अरबों डिजाइन भर रखे हैं। क्या ये चमत्कार नहीं? देखिए कदम कदम पे चमत्कार, आप अगर देखना चाहते हो तो भाई यही सच कि ईश्वर कमाल का है, और उसकी सत्संग यहां होती है, जैसे आज आपके यहां हो रही है, पहले भी हुई थी अजमेर में। हो सकता भाइयों को याद हो, पुराने कोई जिनकी उम्र का ज्यादा नहीं थोड़ी, क्योंकि हमने वो सत्संग किया था 31/8/96 सत्संग हुआ था, उसका भजन भी है, और वो भजन था लिए जा प्रभु का नाम लिए जा अमृत रस घूंट पिए जा। यही इस नगरी में ये शब्द था, और इसी पे ये सत्संग हुआ था। तो काफी लोग उस समय भी आए थे, आज तो बहुत हैं, बहुत ज्यादा ये पंडाल भरता जा रहा है। उस मालिक की कृपा है, उस अल्लाह राम ईश्वर गौड़ खुदा जिसके अरबों नाम हैं, वो एक है। तो सत्संग कारखाना है, जैसे गाड़ियां बनती हैं, कल पुर्जे बनते हैं, वो कारखाने होते हैं। यहां इंसान बनाए जाते हैं। आदमी कहता है मैं तो इंसान ही हूं, नहीं भाई, इंसानियत भूल गया है कि एक पशुओं का झुंड है। हमने देखा राजस्थान में जिमीदार कांटेदार झाड़ियां लगा देते हैं, तारें लगा देते हैं कि फसल खराब ना करे, पर पशु तो पशु हैं, अंदर से घुस जाते हैं, और जब जिमीदार दौड़ाते हैं तो भागते हैं, उनको दिखता कुछ नहीं, कईयों के चोट लग जाती है। ऐसा हमने एक मृग को देखा, हिरन, वो भाग गए, एक को चोट लग गई। हमने धीरे से टीले थे, टीलों के पीछे से जाके देखा, बाकी झुंड ने उसको घेर रखा है, और यहां से खून निकल रहा है, उसको जीभा से चाट रहे हैं, लिपापोती कर रहे हैं। आप कहते हैं हम आदमी हैं, रोड के किनारे कोई घायल पड़ा है, गाड़ी आती है, धीरे होती है, उसको देखते हैं, अपना तो नहीं एक्सीलेटर दबा देते हैं और भाग जाते हैं। बताइए आदमी कौन और पशु कौन? वो पशु कहें जो अपने झुंड वाले को घायल देख के उसका इलाज कर रहे थे, हिरन मृग,
या इनको पशु कहें जो अपने आदमी यानी अपने शरीर जैसे शरीर को घायल दे के गाड़ी दौड़ा के ले जाते हैं। बताइए कौन आदमी है और कौन पशु है? जवाब मांगते हैं हमारे धर्म, क्योंकि धर्मों में दया रहम पहला असूल है जो आज गायब होती जा रही है। आज तो खुदगर्जी है, मेरी कुर्सी सलामत सारी दुनिया सलामत, मेरी कुर्सी डगमगा रही है तो सारी दुनिया डगमगा रही है, आज तो ये असूल है। तो भाई दया रहम धर्मों का पहला असूल है। सत्संग में आएंगे तो ये असूल याद करवाया जाता है, इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। ऊपर उठिए अपनी खुदगर्जी से, स्वार्थीपन से। इंसानियत किसे कहते हैं? अगर धर्मों के अनुसार किसी को दुख दर्द में तड़प, इसी का नाम इंसान। किसी को दुख दर्द होना, ढाके लगाना, शीपन या शैतानियत है और राक्षसों की, तो ये है इंसानियत। सभी धर्मों का सार सुनाएंगे आपको और हाथ जोड़ के विनती है, सुनिएगा जरूर, अच्छा लगे मानिए होगा, क्योंकि आप राम नाम की चर्चा हुई है वहां आके बैठ, क्योंकि आप सुन ले चाहे वो किसी भला कहीं ना कहीं जरूर हुआ। तो भाई आगे आया कॉलेज रूहानी बड़ा सत्संग जी, नाम और प्रेम का चढ़े रंग जी, बैरी मित्र से प्यार। कौन बैरी है, कौन मित्र है, पहचानना बड़ा मुश्किल है। आपको बुरा कर देती हैं और अच्छाइयां आपको अच्छा कर देती हैं, इसलिए अपने अंदर जो आप सोचते हो आता है और दूसरों के अंदर जो देखते हो आ जाता है। अपने अंदर से अपने अवगुण देखो, अपनी बुराइयां देखो ताकि वो चली जाएं, और दूसरों के अंदर गुण देखो ताकि आपके अंदर वो चले आएं। अपने गुणों पे इतराओ ना, गुणवान हो बहुत ही अच्छी बात है, पर ये नहीं हो सकता कि आप में अवगुण ना हो, इसलिए अवगुणों को देखो अपने अंदर, दूसरों के अवगुणों को ना देखो, क्योंकि जो दूसरों में देखोगे वो आप में आ जाएगा। दूसरों के गुणों को देखो। एक दोहा आपको सुनाते हैं,